चारों तरफ सिर्फ बंदे ही बंदे हैं, और फिर एक टाइम आता है जब टीममेट रिवाइव देता है, लेकिन एक और एनिमी पुश कर जाता है एक और नई टीम का, टीममेट एनिमी के हाथ तो नॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ये वाली फाइट को जीत जाते हैं। कैसे वो सब जानने के लिए पूरा वीडियो देख लो। तो जिसको नहीं पता, एपेक्स लेजेंड मोबाइल के अंदर रैंक मैच अनलॉक हो चुके, उसी के साथ बहुत ही खतरनाक बंदे भी आने लग चुके। तो यही अपना पहला मैच जिसके अंदर इधर एक स्कॉट को दी, उसको देखो भाई कितना इजी वाइप कर दिया। अरे एक चीज अभी नोटिस करी, यहाँ पे देखो मेरे को एक भी गन नहीं मिलने ली थी, और मेरा जो वो हेल्थ का सिस्टम था बहुत ऊपर आ चुका था, तो मैं उसको जैसे ही नीचे करने गया सेटिंग्स में, और जब करके बाहर आया तो मेरे हाथ में ऑटोमेटिक गन आ गई। पहले मैं चौंक गया, ये सेटिंग खोल के अपने को गन मिलती है। अब यहाँ पे मैंने अपना आईज ऑन कर दिया, उधर एक एनिमी स्पॉट हो गया। मेरे को पहले वो एक ही लगा, लेकिन उसकी पूरी टीम उधर थी, तो मैंने भाई सबसे पहले वेट किया यार आएगा इधर से, लेकिन ये तो नहीं आया, अपने को ही जाना पड़ा। वैसे तुम लोग कहाँ से थोड़ा बहुत झांक सकते हो इधर, ये ऑटो खुलने और बंद होने का बन सकता है, एनिमी के मुंह के आगे खुल जाएगा तुम इजी मर जाओगे। तो अभी हम लोगों ने पुश कर दिया, ये पता नहीं क्या ग्लिच हुआ था, तो जो बंदे होते हैं वो लेफ्ट की साइड होते, और अब तुम देखो इनको मैंने क्या ही मारा है। सबसे पहले ये वाले बंदे को इतना ज्यादा लो किया, लेकिन ये भाग गया। अब सामने से इसका टीममेट निकल गया, उसको मैंने नॉक दे दिया, और जो इनके बाद जो टीममेट थे वो थोड़े पीछे की साइड थे, तो फटाफट जाके मैं उनको भी मारता हूँ, और लास्ट वाले बंदे को तो स्नाइपर से मारता हूँ। ये देखो Easy peasy squad wipe। मेरे पास बस एक पिस्तौल स्नाइपर थी, इनके पास भाई क्या क्या नहीं था। इधर छुक 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 अपनी ट्रेन आ जाती है, तो उसको लूटते, और यहाँ पे थोड़े बल थ्रो करने का जो एनिमेशन है, मतलब वो कहाँ पे जाके घिरेगा उसका एनिमेशन देखो भाई कितना बढ़िया है। अब आते हैं सबसे इंटेंस फाइट पे। यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन चार स्क्वाड थी, और सब ने अपने अलग अलग घर जमा कर रख दिए थे, पूरे पूरे बिल्डिंग है झपट करके बैठे हुए थे। अब ऐसा टाइम पे किसी भी एक स्क्वाड के ऊपर पुश मारना सही नहीं रहेगा, क्योंकि टीममेट अलग स्क्वाड के ऊपर चले जाएंगे, मैं अलग स्क्वाड को चलाऊंगा, लेकिन हमने सोचा कि इस बंदे को पुश मारते हैं। पर भाई राइट के साइड में जो घर थे वहां पे बंदे अलग थे, मतलब पूरा खानदान इधर ही बैठा है लोगों का। तो यहाँ पे मैं स्मोक के अंदर कुछ शॉट लेता हूँ, अब ये तो कुछ काम नहीं आते, लेकिन नीचे की साइड एक बंदा फुल ओपन में भाग रहा था, तो जैसे मैंने उसको देखा वैसे मैंने उसको नॉक दे दिया। वैसे वो इन बंदों को पुश करने आ रहा था, तो इसको सबसे पहले डैमेज दिया, लेकिन इसने चारों तरफ स्मोक ही स्मोक कर दिया, उसके बाद भी मैंने इसको नॉक कर दिया। अब अगर सामने वाले के पास ब्लडवुड है ना, तो तुम्हारा ये स्मोक कुछ काम का नहीं है, वो आई का यूज करेगा और तुम्हें स्मोक के अंदर स्पॉट करके इजीली मार देगा। अब यहाँ पे भाई पता नहीं क्या गलती हो गई, मैंने अपना हंट मोड ऑन किया, आई ओपन करी और सीधा अंधों की डाक घुस गया। मैंने डैमेज भी दिया, लेकिन भाई पता नहीं इसने कैसे मार दिया। अब ये अपने को फिनिशर मार देना था, लेकिन भाई इसका जो पोपट हुआ है ना अपना टीममेट ने, क्या मस्त कवर दिया। मेरे को लगा मैं गया, लेकिन बाद में पता चला मैं तो जिंदा हूँ, ये मर गया। अब मेरे टीममेट इन बंदों से जैसे ही फाइट लेते थे, वैसे ही एक और स्क्वाड पीछे से आ गई। अपने टीममेट ने यहाँ पे हग दिया फाइट के अंदर, लेकिन अपने को रिवाइव देने आया, बट बिचार दे नहीं पाया। मेरे को लगता थर्ड पार्टी वाली टीम नॉक बंदों को फिनिश कर रही थी, लेकिन इसने भाई सीधी फाइट ही ले ली, और फाइट लेने के बाद भी इसने भाई इसके मुंह के सामने रखे गन स्विच करी, तो वो तो इजीली मार ही देगा इसको। लेकिन अब मेन चीज आती है, मैंने सोचा भाई अपनी टीम ऑल्टेड हुई कैसे नहीं, और वहीं पे लेफ्ट साइड में मेरे को सेल्फ रिवाइव का ऑप्शन दिखता है। मैंने दबा दिया सीधा 12 सेकंड, मेरे को लगा मैं मर जाऊंगा इसके हाथों, लेकिन वही पे एक और टीम आ जाती है चौथी पार्टी करने। अभी इन दोनों की फाइट चलती है, मेरे को बस 2 सेकंड चाहिए, और जैसे ही मैं उठता हूँ फिर क्या था, धूम मचा ले, धूम कर दिया इधर। ये टीम को मार के ऑलरेड करने के बाद इधर जो एक बंदा था इसको भी मार दिया, टॉक्सिक बाबू मौत को टच करके आ गए हम लोग। फटाफट इनको रिवाइव दिया, 2 स्क्वाड बचे, जो लास्ट वाली स्क्वाड थी वो थी चैंपियन स्क्वाड, और उन्होंने तो आते ही भाई बमबारी जो बरसाई है हमारे ऊपर। सबसे पहले तो ग्राफिक बहुत ही बढ़िया गेम के, और इसने भाई पता नहीं किधर से मारना चालू कर दिया, डैमेज देख लो कितना पड़ रहा मेरे को। मेरे को लगा क्या पता इनके पास वो इधर की AWM जो खबर नहीं है वो हो, तो फटाफट हील होने के बाद मैं वेट कर रहा था हट मोड कब आना। मैंने टीममेट को बोल दिया था अभी फाइट मत एंगेज करना, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा बहुत फायर कर रहे थे उनको पीछे रखने के लिए, और यहाँ पे मैं तो 97 से ही दबाना चालू कर दिया था कि भाई जैसे आए वैसे ही फटाफट से अपन हंड मोड को ऑन करके इनको खत्म करके चैंपियन बने। और अब वक्त था खत्म करने का। नीचे एक बंदा था जिसको भाई मैंने वर्ल्ड गन के कितने शॉट मारे वो मजा ही नहीं, ये खंबे का कवर लिया वापिस से फाइट एंगेज करी, और इधर देखो भाई ये गन भी है या नहीं वर्ल्ड। मैंने भाई उसके बाद इसको निकाला फ्लैट लाइन को, और इसका एक और बंदा मेरे पास पुश कर था जिसको भी मैंने नॉक दे दिया, और जो इनका लास्ट बंदा था उसको भी मैंने असिस्ट कर दिया मारने के अंदर। चैंपियन स्क्वाड के बंदों को तो दौड़ा दौड़ा के मारा है।
अब होता क्या, जैसे ही हम लोग एक रैंक खेलते हैं उसके बाद रैंक ऑफ हो जाता है। अब कुछ बंदे गेम को 24 घंटे खेल के लीडर बोर्ड टॉप कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसके लिए ये वाली सिस्टम डाली गई है, एक टाइम रहेगा उसमें ही रैंक ओपन रहेगा। अब ये अच्छा है या बुरा है वो गाइस कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर फेयर गेम प्ले से देखा जाए तो बहुत ही सही है, लेकिन ये ऑफ होने के बाद हम लोग खेलते हैं वाइकिंग जो कि प्लेटिनम पे बैठा है, उसके साथ पब्लिक मैच खेलते उधर भी क्या खतरनाक बंदे आते हैं। लेकिन इस वाली मैच का मेरे को पता लगा कि भाई शॉटगन कितनी ज्यादा प्रो है। हम इधर को जाते हमारी गन फाइट हो जाती है, गन छोड़ो गन का एक पार्ट तक नहीं मिलता है, एनिमी आके अपने को दो बार मार के चला जाए उसके बाद एक गन मिलते जो शॉटगन होती है जिसका नाम मस्ती होता है, और मैं मस्ती से मस्ती करने चला जाता हूँ नीचे बंदों के साथ। टीममेट को जेव देके देखो इन बंदों को क्या ही मारा है। सबसे पहले ये बंदा अपनी एबिलिटी यूज करता है लेकिन उसके बाद नॉक हो जाता है और फिर गायब भी हो जाता है, तो डीकोड इसका मेन। उसका जिसका जो टीममेट होता है उसको भी देखो क्या ही मारा हूँ, ये सीधा बूम। ऊपर वाइकिंग की हेल्प करने भी गया मैं, खेल चोरी किधर था, ये तो मदद किया मैं। जिनको हमने मारा उनपे इतना सामान था कि वो लोग हमको कैसे नहीं मार पाए मेरे को वो नहीं समझ आया, और यही लोग पुश किए थे हम पे। अब किंग बोला आगे के साइड बंदे हैं, मैंने सीधा हंट मोड ऑन किया और उनको खत्म करने चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों यार मेरे हाथ में गन ही नहीं थी, एनिमी के सामने मुक्के झड़ लाऊं, फिर गन निकाली उसके बाद स्लैट शूट बूट करके इसको इजी मारा, जो इसका लास्ट बंदा नीचे था उसको भी मार दिया। लेकिन अपनी गोलियां में इतना दम है किधर, वो उसको नॉक ही नहीं कर पाया, तो शॉटगन निकाला और फिर से क्लोज फाइट लेके उसको इजी मारा। आगे जाके हम लोग एक और फाइट लेते, ये वाले बंदे मेरे एनिमी के मेरे टीममेट का पुश कर देते हैं, तो मैं इधर ही बैठा भाई कवर वगैरह देने के लिए, एक बंदा मेरे पर पुश कर दिया जिसको मैंने इजी मार दिया शॉटगन से। वैसे जिसको पता हो शॉटगन कौन सी बेस्ट है इस गेम में तो पता था कमेंट के अंदर, अभी तक तो मेरे को मस्ती बेस्ट लगी है, पीस कीपर ट्राई नहीं की। और फिर मैं बोलता हूँ मेरे को ना इधर से फुटस्टेप आ रहे, मतलब जो आवाज नहीं होती है ये सामने वाली बिल्डिंग से, मैंने मार्क करके बताया भी टीममेट को, और फिर उधर से सामने वाले का ब्लडहुड का वो आता है, सोलार सिस्टम बोलते ना इसको, नहीं सोनार बोलते, अरे आई बोलते इसको। तो उसके बाद मैंने उसको बताया हमारे पास भी आई है, और ये बंदे को सबसे पहले इजी मारा इधर से एंगल लेके, और एक बार देखो भाई इसने कितनी सारी गोलियां खाई है, 500 का डैमेज तो इसने अकेले ने ले लिया। फिर वाइकिंग नॉक हो जाता है, लेकिन वाइकिंग उसको भी नॉक कर देता है, ये क्या है भाई। लास्ट बंदे को किंग मार देता, मतलब सबको एक एक किल मिल गई इधर से। और जब मैं इस घर के ऊपर गया, यहाँ पे देखो भाई ये हॉस्टल वाले बिस्तरों के ऊपर लाइटिंग देखो एक बार, या फिर ये बिस्तर नहीं क्या पता रखने का सामान नहीं होता उसका, कुछ भी हो यार लाइटिंग देखो ना तुम लोग। और फिर लास्ट बंदों को थोड़ा एंगल वेंगल बना के इजी मार के चैंपियन ले लेते हम लोग। अब ये वाली मैच का खाली शॉटगन किस देखो तुम, ये खंजो को तो भाई हवा में ही मार डाला, और इसके भागते हुए टीममेट को भी भाई क्या डैमेज दिया देखो। और फिर हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे स्कॉट के ऊपर पुश कर देते हैं, देख दो भाई ये लोग पहले से ही ऊपर जा रहे लेंगे। अब मैंने बोला इनको जो एक बंदा लेफ्ट में अभी राइट में आ गया, अभी तुमको सामने दिख गया, हाँ उसको मार लेते हैं, मेरे पास थर्माइट बम होता वो भी फेंक देता हूँ मैं। अब जैसे हम इसका पुश करते हैं, उनके दो बंदे हमारे वाइकिंग में पुश करके उसको फिनिशर मार देते हैं, लेकिन इन दोनों प्रो बंदों को क्या शॉटगन से मार के जो बदला लिया एक बार देखो। अब मैं उसका आई के अंदर स्पॉटेड था और मैं वेट कर था अपने हंट का ऑन होने का, अब वो मेरे ऊपर पुश कर चुका था, और फिर मैंने सीधी फाइट को एंगेज कर दिया। पहले शॉट मिस हुए, लेकिन बाद में अपने एक ही शॉटगन ने इसका शील्ड तोड़ दिया, उसके बाद वापस से थोड़े शॉट मिस हुए और फिर इजी नॉक। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको फिनिशर मारने से पहले सोचा कि आसपास का इसका टीममेट होना, तो मैंने आई का यूज किया और इसका टीममेट भाई भागते हुए आ रहा था। अब किंग चले जाता है वाइकिंग को देने, मैं यहाँ पे अकेला इसको कैसे संभालूंगा वो देखो, इसके अंदर भी रिवोल्ट टावर जैसा सिस्टम है, तो बस अभी देखो इसको क्या मार रहा हूँ मैं। मैंने इस वाली फाइट को पूरे दिमाग से खेली, बिल्कुल भी ओवर कमिट किया ही नहीं हूँ, यहाँ पे देखो भाई आई का यूज करके मार रहा हूँ इस बंदे को इजिली, और यहाँ पे ये प्रो बंदे भी खत्म। और यहाँ पे देखो भाई दो दो किल चोरी हुआ मुंह के आगे से, सबसे पहले तो अपने सुमो पहलवान का, मैं वही बोलूं नॉक का निशान क्यों ना देखा, तो भाई किसी और ने नॉक किया। उसके बाद एक वाइकिंग के पास जो बंदा था उसको भी डैमेज देता हूँ, और राइट वाला बंदा को जैसे ही मैं स्पॉट करके मारता हूँ उसको कितना लूट कर दिया देखो, लेकिन किल चोरी हो गया। और गाइस ये देखो अपना पोर्टल अभी बन रहा है, वो बना रहा किंग, सेम टू सेम डोरेमोन के एनिमे डोर जैसा ही है, मजा बहुत आता भाई। एक सेकंड का देखो किधर से किधर ट्रैवल कर लिया अपन, और वाइकिंग को यहाँ पे बंदे स्पॉट हो जाते हैं, क्या मस्त लेट शूट मार देता हूं मैं। और इन वाली स्क्वाड का एक बंदा भाई क्या पुश करता अपने ऊपर, क्या ही मारता हूं मैं उसको, उसको देखना। सबसे पहले धूल वाले बंदे को नॉक, अरे भाई क्या कितने किल चोरी होंगे। अब यहाँ पे अपना टीममेट नॉक हो जाता, हाँ
अपना कर्म का भुगतान कभी तो करना या कितने किल चोरी कर लेना है। लेकिन सामने वाले का पाथ फाइंडर अपना ग्रैपर को भाई यूज करके सच्ची का स्पाइडरमैन बन रहा है। इधर एक फटका बजा इसके और उसका जिसको नॉक करना है मैंने पहली प्रायोरिटी समझा और उसका जिसको नॉक भी किया। इधर एक शॉट मार के एक मिस हुआ लेकिन दूसरे वाले शॉट ने सीधा नॉक दे दिया। उसके बाद टीममेट को रेव देख के सीधा इन वाले बंदे को ऊपर पुश कर दिया। जो भाग रहा था उसको नॉक दे दिया और जो यहाँ पे बैठा है इसको भी नॉक दे दिया। अब मेरी यहाँ पे 32 उल गई और मेरे को पक्का लगा कोई ना कोई अपने आपको सेल्फ रिवाइव कर रहा और यहाँ पे ये बंदा कर रहा था। देखो इसको भाई, मैं बोलूंगा अगर तुम अपने आपको सेल्फ रिवाइव करो तो भाई कहीं छुप के करो क्योंकि एनिमी ने अगर देख लिया तो तुमको इजीली मार दे। तो बस गाइस आज का वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ। डेडीएम भी आ चुका, उसको भी खेलना है। तुम लोग को कैसे लग रही है ये वाली नई गेम कमेंट के अंदर जरूर बताना। और अभी मैंने सोचा यार सॉफ्ट लॉन्च है तो इसी को ज्यादा खेलते हम। BGMI और क्वालिटी मोबाइल ये गेम तो हमेशा के लिए रहने वाली है। लेकिन अभी तक Apex Legends मोबाइल का कुछ कंफर्म नहीं है कि कब पूरी तरह लॉन्च होगी। तो अभी मैं इसको सॉफ्ट लॉन्च को ही खेल के जितना एंजॉयमेंट कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगी ये वाली गेम। इसमें ना ही कैंपिंग काम आती है ना ही कोई और चीज काम आती है जो कि नूबड़ों को विनर बनाए। जिसके पास अच्छी स्किल है वही जीतेगा। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं तुमको मिलता हूँ अपने अगले वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।